हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग बाय बिजधिया में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हैज और हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं अपनी भाषा में, अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो हम इन्हीं हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में बनाना सिखाएंगे। तो हैज और हैव, हैज हैव का मतलब होता है पास या रखना। पास या रखना, कोई चीज को रखता हो या कुछ किसी के पास हो उसको हम हैज हैव के प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसका मतलब होता है, सबसे पहले पास या रखता, ठीक है, पास या रखता। हैज हैव का मतलब होता है पास या रखता, कोई चीज रखता हो। सबसे पहले देखेंगे हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखेंगे हम नंबर लिखेंगे हम प्लूरल नंबर आई यू वी दे। तो ये मैंने खड़ा बना लिया जैसे, ठीक है, ये बना लिया आई यू वी, इसके साथ हैव, इसके साथ हैव। अब नीचे नीचे लिखा, जैसे नीचे देखेंगे लिखना आया He, she, it, name. He, she, it, name. इसके साथ क्या लगेगा? Has का प्रयोग। ये है बहुवचन और ये एक वचन, प्लूरल नंबर और सिंगुलर। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ has और प्लूरल के साथ have, बहुवचन और एक वचन। इसके प्रयोग हम कैसे लाते हैं इसको देखेंगे हम। सबसे पहले मैंने कुछ बोला, जैसे मेरे पास गाय है, इसको कैसे बनाएंगे इसके बाद देता हूं मैं। आई हैव, मेरे पास एक गाय, आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूं, ऐसे बोल सकते हैं, मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, रखता या पास होना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम तुम्हारे पास चार कुत्ते हैं, तुम्हारे पास चार कुत्ते हैं, कैसे बनाएंगे। यू हैव फोर डॉग्स, ठीक है, यू हैव फोर डॉग्स, आपके पास चार कुत्ते हैं। अगला देखेंगे इसी का, हमारे पास एक पेन है, क्या हमारे पास एक पेन है, वी हैव ए पेन, वी हैव ए पेन। उसके पास दे का प्रयोग करते हैं हम, दे का कैसे करेंगे, दे के साथ दे हैव, उनके पास गुड़िया है, उनके पास गुड़िया है, दे हैव डॉल। अब इन्हें को हम इंटरोगेटिव में कैसे लिखते हैं इसको बाद में बताएंगे हम, एक वचन वाला। इसको हम इंटरोगेटिव में किस प्रकार से यूज में लाते हैं ये देखते हैं, चलिए इसको देख लेंगे। इसको देखेंगे हम इस इंटरोगेटिव में, ये बना देख लेना, बनाने इसको लिख लेना। अब देखें इसको इंटरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं, जैसे डू यू हैव ए डॉल, क्या आपके पास एक गुड़िया है, क्या आपके पास एक गुड़िया है, इस प्रकार डू यू हैव ए डॉल। इसी प्रकार से अगला, जैसे Do they have a elephant? Do they have a elephant? Do they have a elephant? क्या उनके पास एक हाथी है? क्या उनके पास एक हाथी है? तो interrogative, negative जैसा भी हो हम इसको इसी रूप में ढाल सकते हैं। इसमें हम not लग जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा? Negative, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे
एक बचने वाला, इसको हम यूज में कैसे लाते हैं, जैसे ही हैज ए बुक, ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। उसके बाद सी हैज ए ए ब्यूटीफुल ड्रेस, सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास सुंदर ड्रेस है। क्या है? उसके पास सुंदर ड्रेस है। अगला इसका देखेंगे, इसका इट हैज ब्यूटीफुल स्किन। क्या है? इट हैज ब्यूटीफुल स्किन। तो इट का प्रयोग, हैज का प्रयोग किस करते हैं? ये एक वचन जहां किसी का नाम होगा, अब यहां पर नाम लेंगे किसी, जैसे रोहन हैज ए मोबाइल। इसी को हम इंटरोगेटिव में भी ढाल सकते हैं, जैसे मैंने इसको ढाला है, इसको भी इसी प्रकार से। इसमें क्या होगा? डज, क्या डज ही हैव, डज ही हैज समथिंग, डज ही हैज समथिंग, इसको हम इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे, अब कुछ देता हूँ, फिर ब्लैंक देता हूँ, फिर आप उसको भरना, इसको कैसे कैसे भरते हैं, प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस, आप बताएंगे इसमें क्या भरना होगा। डू यू हैव, फिर ना ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? डू यू हैव, एक मिनट, ये है मेरे, इसे यहाँ लिखिए मैंने, डू यू ए स्टोरी बुक, डू यू डॉट डॉट ए स्टोरी बुक। देख लीजिए, डू यू डॉट डॉट ए स्टोरी बुक, इसमें क्या भरा जाएगा? यहाँ पर इसे मैंने आपको दे दिया, हैज और हैव, आप इसको भरना है। नेक्स्ट देखेंगे, आई सी है ही डॉट डॉट ए कार, यहाँ पर है, इसमें आपको भरना होगा, इसमें क्या भरा जाएगा। उसके बाद नंबर तीन, दे डॉट डॉट ए एन एप्पल, यहाँ पर भी हैज और हैव दो प्रकार से। अगला देखेंगे हम, जैसे डू वी ए हिस्ट्री बुक, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें आपको बताना होगा इसमें क्या क्या भरा जाएगा, देख लेंगे ध्यान से। एक और पेन देता हूँ, जैसे पांच नंबर देता हूँ मैं, पांच नंबर का देता हूँ मैं, जैसे राम डॉट डॉट ए एम्प्टी बकेट, इसमें आपको क्या बताएगा? यहाँ पर कर लेंगे हैज और हैव, यहाँ पर भी कर लेंगे हैज और हैव, कर लेंगे हैज और हैव, इसको आप में भरना होगा। तो हम ये देखेंगे एक वचन के साथ क्या लगता है, अवचन के साथ क्या लगता है। मैं आपको पहले रूल बता चुका हूँ, नेम भी लिखवा दिए थे मैंने, तो इसको देखेंगे। डू यू क्या है? ये बहुवचन है ना, तो ये है,
डू यू हैव, इसके बाद ही एक वचन है ना उसके साथ ये, तो ही हैज ए कार। उसके बाद दे बहुवचन है ना उसके साथ ये, दे हैव एन एप्पल, दे हैव एन एप्पल। अब डू वी ए हिस्ट्री बुक, यहाँ क्या है यहाँ पर है लगेगा, डू वी हैव कि हमारे पास एक इतिहास पुस्तक है या हिस्ट्री ऑफ बुक, यहाँ लिख सकते हैं डू वी हैव ए हिस्ट्री ऑफ बुक, हिस्ट्री बुक, डू वी हैव ए हिस्ट्री बुक। अब राम इसमें क्या है, राम क्या है ना, तो इसमें हैज के प्रयोग, तो राम हैज ए एम्प्टी बकेट, राम के पास एक खाली बाल्टी है। तो ये मैंने नियम बता दिया आपको पहले, सिंगुलर प्लूरल को कैसे बताया जाता है, और उसके मैंने एग्जांपल भी करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे करेंगे तो सारे सारे आपको आ जाएंगे। तो बन रही हमारे साथ टीचिंग विद विजय भैया के साथ, तो सारा नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपके पास पहले आएगा, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।